हेलो एवरी वन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेल द यूनिट ऑफ लाइफ सो वट इज अ सेल इस सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शन एंड हेरिडिटी इसकी ये डेफिनेशन क्यों है इसके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में सबसे पहले एक साइंटिस्ट आते हैं रॉबर्ट होक इन 1665 फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस द टर्म सेल उन्होंने क्या टर्म दी सेल ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स सभी जीव जंतु किस चीज के बने होते हैं सेल्स के बने होते हैं एक्सेप्ट वायरसेस जहां पर सेलुलर बॉडी एबसेंट होती है जबकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या आते हैं प्लांट्स एनिमल माइक्रोब्स वो सभी किस चीज के बने होते हैं सेल्स के अब एनिमल्स नाम लिया है तो हर तरह का एनिमल के कोई कोई भी एनिमल हो या कोई भी प्लांट हो या माइक्रोब्स हो वो सभी किस चीज के बने हुए हैं सेल्स के बने हुए हैं देन अनदर साइंटिस्ट एंटोन वॉन ल्यून हॉक उन्होंने क्या किया था पहली बार के लिए एक लाइव सेल को देखा था जबकि रॉबर्ट हुक ने जो टर्म दी थी सेल वो किस चीज को देख के दी थी एक डेड सेल को स्टडी करके दी थी जबकि एंटोन वॉन ल्यूएन हॉक ने क्या किया था एक लाइव सेल को देखा था उसके बाद कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने आगे टाइम एडवांस होने के साथ साथ और ज्यादा डिस्कवर करने की सोची सेल के बारे में तो शर्डन और स्वान ने 1839 में एक थ्योरी दी जिसे आज के टाइम पर बोला जाता है सेल थ्योरी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन दर्चिड रूट सेल्स जैसे जैसे टाइम एडवांस होता गया माइक्रोस्कोप और बेहतर क्वालिटी के आते चले गए तो उसके साथ साथ सेल के अंदर के स्ट्रक्चर जितने भी ऑर्गनलीज होती हैं सेल के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ा जाने लगा Then उसके बाद एक साइंटिस्ट आए में पोस्टुलेट दैट ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल उन्होंने ये बोला कि जितने भी लिविंग सेल्स हैं वो पहले से कोई प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं, उनसे ही आती हैं जैसे कोई भी एनिमल है वो कहां से आता है पहले कोई सेल रही है उसी से क्या हुआ है उसका जन्म हुआ है तो इन्होंने क्या बोला ओल्ड लिविंग सेल्स अराइव फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल पहले से मौजूद सेल्स में से ही आगे आने वाली नई सेल्स बनती हैं देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स यहां पर मेनली दो टाइप की सेल्स होती हैं प्रो कैरियोटिक एंड यू कैरियोटिक सेल्स देन उसके बाद है सेल थ्यूरी जो शेल्डन और स्वान ने दी थी 1839 में सेल थ्योरी वॉज प्रपोज बाय शेल्डन एंड स्वान एटीन थर्टी नाइन टू एक्सप्लेन दी ऑफ सेलुलर नेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सेलुलर नेचर मतलब कि नेचर कैसा है सेल्स का प्लांट्स में कैसी सेल है एनिमल्स में कैसी सेल है उनके बारे में डिटेल में बताया गया उनके साथ साथ रुडोल्फ फर्च्यू ने भी क्या किया मेड ए जर्नलाइजेशन उन्होंने क्या बोला ओमनिस सेलुले सेलुला विच मीन्स ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्री साइंटिस्ट आर क्रेडिटेड विद डेवलपमेंट ऑफ सेल थ्यूरी सेल थ्यूरी किन्होंने बनाई इन दोनों साइंटिस्ट के साथ साथ इनकी जो इन्होंने डिस्कवर की थी जो चीज जो इन्होंने बोली थी जो टर्म दी थी उसको भी साथ मिला के एक क्या बना दी गई एक सेल थ्योरी बना दी गई तो इन तीनों साइंटिस्टों का क्या है इसमें योगदान रहा है इस थ्योरी को रिप्रेजेंट करने में तो मॉडर्न थ्योरी क्या है द मॉडर्न थ्योरी इंक्लूड द फॉलोइंग कंपोनेंट्स जैसा कि पहली टर्म है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट्स एनिमल माइक्रोब्स सभी किसी के बने हुए हैं सेल्स के बने हुए हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ इसीलिए उसके डेफिनेशन में क्या बोला गया है कि वो स्ट्रक्चरल यूनिट है इसीलिए क्योंकि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म चीज के बने होते हैं सेल्स के ही बने होते हैं इसीलिए वो क्या है स्ट्रक्चरल यूनिट है ऐसे ही फंक्शनल यूनिट क्यों बोला जाता है क्योंकि चाहे कोई यूनिसेल्युलर हो या कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो ऑल मेटाबोलिक रिएक्शन टेक प्लेस इन दिस सेल बॉडी में छोटी से छोटी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है वो सभी कहां होती हैं सेल्स के अंदर ही होती हैं इसीलिए सेल को क्या बोला जाता है फंक्शनल यूनिट बोला जाता है थर्ड पॉइंट है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जैसा कि वृक्ष ने बोला था तो ये तीनों पॉइंट हो गए सेल थ्यूरी के अंदर यहां पर एक एक्सेप्शन है कि वायरस आर ए सेलुलर डू नोट हैव सेलुलर कंपोनेंट इसीलिए उसे क्या बोला गया है ए सेलुलर बट उसके अंदर क्या होता है जेनेटिक मटेरियल जरूर होता है और वो अपना कॉपी नंबर कैसे बढ़ाता है शो मल्टीप्लीकेशन अपना नंबर इजिली बढ़ाता रहता है जब कोई उसे लिविंग बॉडी मिल जाती है उसके अंदर क्या करता है उसकी मशीनरी को हैक कर लेता है और उसके अंदर अपना नंबर बढ़ाता रहता है कौन वायरस क्योंकि उसके पास खुद की कोई सेलुलर कंपोनेंट्स नहीं है उसकी खुद की कोई मशीनरी नहीं है अपना नंबर बढ़ाने के लिए वो दूसरों की बॉडी के ऊपर क्या करता है अपना मल्टीप्लीकेशन करता है एंड उसके बाद है एन ओवरव्यू ऑफ सेल ए टिपिकल सेल पोजेस थ्री मेजर एलिमेंट सेल के अंदर मेनली होता क्या है आउटर एनवेलप मतलब बाहर की एक बाउंड्री होगी जेनेटिक मटेरियल होगा उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है चाहे कोई प्रो हो या फिर यू हो और क्या होता है साइटोप्लाज्म यहां पर एक तरल पदार्थ भरा होता है साइज एंड शेप की अगर बात करें तो सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज एंड शेप एंड एक्टिविटी अलग अलग टाइप की साइज एंड शेप होगा सेल का कि ऑर्गेनिज्म किस टाइप का है या उसका साइज क्या है फॉर एग्जाम्पल माइक्रोप्लाजमा ये क्या है स्मॉलेस्ट सेल है आर ओनली जीरो पॉइंट थ्री माइक्रोमीटर इन लेंथ जबकि लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल अगर क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट सेल कौन सी है लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच ऑस्ट्रिच क्या होता है शुत्रमोर्ग पक्षी होता है फ्लाइटलेस बर्ड होता है सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप सेल्स अलग अलग शेप की होती हैं हो सकता है वो क्यूबॉइड हो डिस्क लाइक -like हो थ्रेड लाइक -like हो इवन इरेगुलर भी हो सकती हैं द शेप ऑफ द सेल मे वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म सेल का जो शेप होती है वो डिफर क्यों करती है क्योंकि उन्हें अलग अलग टाइप के काम करने होते हैं जैसे न्यूरोन है उन्हें मैसेज ट्रांसफर करना होता है या फिर आरबीसी है उन्हें कैपिलरीज के अंदर से पास होना होता है या ऑक्सीजन को कैरी करना होता है इसलिए उनकी शेप कैसी होती है बाइक उनकी शेप होती है तो अलग अलग सेल्स की उनके काम के बेस पर शेप होती है नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल के स्ट्रक्चर के बारे में यू प्रोकैरियोट्स प्रो करियोर्स के सेल स्ट्रक्चर के बारे में थैंक यू सो मच